एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों अभी नाश्ता भी ले लिया है, जहाँ पे मैं स्टंट करता हूँ वहीं पे जाकर खाऊंगा। अभी बज रहे हैं शाम के 6:40, अभी रूम के लिए निकल रहा हूँ। तो आज क्या हुआ, रिहर्सल पे थोड़ी देरी हो गई तो आज 7:30 बजे आना पड़ा। अभी नाइट 7:30 बजे रूम के लिए निकल रहे हैं। रूम पर जाकर नहाना है, खाना बनाना है, और यहाँ पर बारिश हुई थी बेंगलुरु में आज, तो मेरे कपड़े सुखाने के लिए डाला था वो भी भीग चुके हैं, अभी उसको भी निकालना है। बहुत सारे काम से जो करना है। एवरीवन तो हम यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये रहा बेडरूम जो कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये रहा टॉयलेट रूम। और टॉयलेट रूम के बाद यहाँ पर किचन रूम है, इतना सारे किचन, टॉयलेट, बेडरूम और हॉल, बस इतना है। दोस्तों हमने बहुत सारे रूम देख लिए, लेकिन वहाँ पर जो है इसका रेंट जो है 8,000, 10,000, 13,000, और उसका जो क्या होता है डिपॉजिट जो 15,000 to 1 lakh rupees ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो और वहाँ पर 2 BHK यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे थे और एक छोटा भी था, तो कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर आए, ये देखेंगे कि चॉइस करेंगे। दोस्तों अब जो है हम होटल पे आए खाना खाने के लिए, जो है बिरयानी खा रहा हूँ। दोस्तों अब जो है रिहर्सल करके टायर्ड हो चुका हूँ, और पर मेरा बैक पेन अभी तक दर्द कर रहा है, तो पता नहीं कब तक ठीक हो जाएगा। अभी रिहर्सल ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ पर शर्ट पहन लिया है और हाथ पाँव सब कुछ धोकर धो चुका हूँ, अभी जाना है रूम के लिए। दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट में शॉर्टकट देखते आ रहा हूँ और रूम की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट में ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर ठंडा कूल होता है, तो इसलिए। दोस्तों ये रहा बिरयानी का साइड इफेक्ट, नीचे से लेकर ऊपर तक मुझे फॉलो करते आए ये डॉगी। अभी देखो यहाँ पर दिख रहा है बिरयानी का साइड इफेक्ट, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कि अंदर से आग जल रही है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। आधे घंटे के लिए सो जाऊंगा, फिर देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों अभी जो खाना खाकर बैठा हूँ, और कल से मुझे बहुत ज़्यादा बुखार आ चुका था, और सुबह तक मैं यहाँ पर 5 बजे तक सोया ही नहीं, मुझे नींद नहीं आई, और मुझे वीकनेस हो रहा था, और ऊपर से मेरी आँखें जो है कमज़ोर हो रही थी, और पैर हाथ सब कुछ बहुत ही कमज़ोर हो रहे थे, चलने में चक्कर आ रहा था, तो ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उतना भी खास नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु का पानी अच्छा नहीं है, या यहाँ का बाहर का खाना अच्छा नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है मेरे साथ और पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मतलब जो भी खाता हूँ वो अच्छी तरह जीर्ण नहीं हो रहा है, तो पता नहीं कब तक ठीक हो जाएगा। मैंने 4 टैबलेट ली थी, जो कि कल सुबह और परसों रात में, जो कि मुझे प्योर, और यहाँ पर बैक बोन पेन हो रहा था, तो इसलिए जो कि स्टंट करते हुए मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर बेंगलुरु में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि एक आम आदमी के लिए, आम आदमी रहेगा यहाँ पर तो उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। दोस्तों क्या है कि यहाँ पर 500 सब्सक्राइबर्स होने में सिर्फ 38 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी से मुझे 500 कर दो जल्दी से, और 1000 का माइलस्टोन है, वो कब पूरा होगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन 500 का तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि 500 के बाद मुझे कोई कुछ एक 4-5 फीचर्स हैं जो मिल जाएंगे मुझे, और 1000 सब्सक्राइबर यानी कि मुझे सिर्फ 460 सब्सक्राइबर्स गेन करने में 1.5 या 2 ईयर्स लग चुके हैं अभी फ़िलहाल के लिए। दोस्तों अभी सो रहा हूँ, वीडियो को ये पेंट करते हैं, वीडियो आज लंबी नहीं बनेगी, ताकि यहाँ पर कुछ टॉपिक ही नहीं है, सेम टॉपिक रोज़ वीडियो बनाऊँगा तो सबको बोर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आगे कहीं पे घूमने के लिए जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो वीडियो आएगी ज़रूर। तो बाय बाय, टाटा।